Assalamu alaikum, myself Talha Saleem, and I am your biology instructor from eTuitions, which is the first free learning platform for the students of Pakistan. आप यहाँ पे lectures, PowerPoint, quizzes सब avail कर सकते हैं हमारी website पर जाकर, which is vtuitions.com. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे channel को subscribe कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो please आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. सो अब हम लेक्चर की जानिब चलते हैं. अब चैप्टर थ्री पर हम थे लास्ट टाइम भी, और हमने लेक्चर थ्री तक कवर कर लिया था कि सेल के स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में, कि टेक्निक्स मैंने आपको बताया कि टेक्निक्स क्या होती हैं फर्स्ट लेक्चर में. फिर उसमें आपको मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन और डिफरेंट टेक्निक्स आपको बताई थी. फिर लेक्चर टू पर आए थे तो हमने डिफरेंट फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी की थी. और लेक्चर थ्री पर जब मैं आया था मैंने आपको साइटोप्लाज्म का बताया, साइक्लोसिस के सर्कुलर स्ट्रीमिंग को साइक्लोसिस कहते हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होती है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की. और फिर मैंने आपको उसी के साथ साथ साइक्लोसिस के बाद आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ले गया. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स आपको बताएं कि स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और ये सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस थे. तो अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस की तरफ चलते हैं, विच इज राइबोसोम्स एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और यही आज का हमारा लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम्स, मैंने लास्ट टाइम कहा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ा सा राइबोसोम्स का बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज कह रहे होते हैं. सो बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्रीज इसलिए कहते हैं कि आपका जो एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलता है तो वो राइबोसोम्स में जाके ट्रांसलेट होता है. प्लीज गो ऑन टू लेक्चर टू, वहां पे रिवीजन करें कि लेक्चर टू में मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में बताया था कि एमआरएनए कोडिंग लेकर आता है और उस कोडिंग को डिक्रिप्ट किया जाता है या उसको ट्रांसलेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, उसको डिकोड करता है और उसकी वजह से फिर वो अमीनो एसिड की चेन यानी प्रोटीन्स बनाता है. सो इस वजह से राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है. अब राइबोसोम्स को राइबोसोम्स इसलिए भी कहते हैं कि इसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होती है. अच्छा, अब आप मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस में पढ़ेंगे कि हर जगह या मुख्तलिफ बायोलॉजी में टर्म्स आप देखें तो उसमें सोम्स का लफ्ज लिखा हुआ होता है. तो सोम्स का लफ्ज सोमा से निकला है और सोमा बॉडी को कहते हैं. सो यानी अगर आप कहीं भी देखें तो सोमा का मतलब यही होता है कि बॉडी. अब राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, यानी आपकी बॉडी में जो प्रोटीन मुख्तलिफ बननी है वो राइबोसोम्स बना रहे हैं. साइजेस के बारे में बात करूँ तो राइबोसोम्स के कुछ साइजेस होते हैं, जैसे सपोज प्रोकैरियोट्स के हिसाब से राइबोसोम्स का साइज होता है 70S, और यूकैरियोट्स में इनका साइज 80S होता है. ये एस स्विडबर्ग यूनिट है जो साइंटिस्ट आफ्टर साइंटिस्ट है जिन्होंने सेडिमेंटेशन का बताया. सेडिमेंटेशन बेसिकली वही, वापस लेक्चर वन में चले हैं तो सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूगेशन वाले में आपको बताया था कि सेडिमेंटेशन कहते हैं सेटलिंग डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, सो दैट्स कॉल्ड दी सेडिमेंटेशन. तो उसी के हिसाब से इनके यूनिट होते हैं. तो यूकेरियोट्स में इनका साइज होता है 80S, और राइबोसोम्स न्यूक्लियो प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं, यानी इनमें तकरीबन आरएनए 40% और प्रोटीन 60% मौजूद होता है. राइबोसोम्स का आप ये भी कह सकते हैं कि राइबोसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल और ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर, और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होते बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच हुए हुए होते हैं इधर, तो या उन्हें अटैच राइबोसोम्स भी कह सकते हैं आप. और दूसरे फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होते लेकिन काम सेम ही होता है. अच्छा, राइबोसोम्स का काम क्या है कि राइबोसोम्स के सेंटर पर एक एमआरएनए की चेन लगती है और उसकी वजह से वो डिकोडिंग करता है. तो जब एमआरएनए की एक चेन लगती है, अब एमआरएनए की चेन क्योंकि लंबी होती है, लॉन्ग, सो सिंस इट्स लॉन्ग सो मल्टीपल राइबोसोम्स गेट्स अटैच टू अ सिंगल चेन, तो उस वजह से इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम्स. यहाँ पे इस तस्वीर में अगर आप देखें तो राइबोसोम्स इस तरह ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है. इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट जो डोम शेप का होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, और इन दोनों के बीच में एमआरएनए की चेन आके अटैच हो जाती है. अब यहाँ पर देखें कि ये कंप्लीट राइबोसोमल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आप देखें अगेन तीन साइट्स मेंशन हुई है, ए साइट, बी साइट एंड ई साइट. ये तो एमआरएनए बाइंडिंग साइट है जहां पे एमआरएनए बाइंड होगा स्मॉलर सब राइबोसोमल सब यूनिट के पास. अब राइबोसोम्स से जब एमआरएनए अटैच होते हैं तो सबसे पहले तो एमआरएनए की अटैचमेंट के लिए एमआरएनए एक्टिवेट, इन शॉर्ट राइबोसोम्स एक्टिवेट, तो वो बेसिकली ए साइट है. पी साइट में बेसिकली वहां पे रीडिंग होती है, मुख्तलिफ रीडिंग फेस होती है, यानी एमआरएनए क्योंकि चेन है
और ये चेन जैसे जैसे आगे जाते रहेगी मुख्तलिफ अमीनो एसिड यहाँ पर बनते रहेंगे। सो इसको मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अमीनो एसिड मुख्तलिफ बनते रहेंगे और यहाँ पे जैसे चेन चलते रहेगी, तो सपोज तीन कोडॉन्स पर एक अमीनो एसिड बनता है, यानी तीन कोडॉन्स क्या थे कि सपोज यहाँ पर स्टार्टिंग होते हैं AUG है, तो राइबोसोम्स ने डिटेक्ट कर लिया कि ये राइबोसोम्स को रीड करना है। उसके बाद पी साइट पे बेसिकली अटैचमेंट, सपोज यहाँ पे कोई एक कोडॉन मौजूद था, टी टी ए और टी सपोज मौजूद था, तो यहाँ पे एक ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होगा, और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा कि ट्रांसफर आरएनए के पास एंटी कोडॉन्स मौजूद होंगे, यानी इनके कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट के, टी ए से अटैच होता है, ए टी से अटैच होता है, सी जी से, वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला। और उसके बाद जब ये एग्जिट साइट होती है, नहीं एग्जिट साइट के बाद ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद पहले से आता है, पहले एक्टिव, फिर उसके बाद यहाँ, फिर अब एग्जिट साइट, ई फॉर एग्जिट साइट, और एग्जिट साइट से बेसिकली ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम से बाहर चले जाता है। तो इस तरह वो ये मल्टीपल प्रोसेस चलता रहता है। ये डिटेल में भी स्ट्रक्चर है जो मैं आपको किसी एक्स्ट्रा लेक्चर्स में भी पढ़ा सकता हूँ। सो फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लें, और बाकी ये कि इस सब के बाद एक राइबोसोम्स एक चेन बना लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, जो वो पॉलीपेप्टाइड चेन फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चले जाती है। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक और काम होता है जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में नहीं बताया, वो ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्फर्मेशनल चेंजेस भी होते हैं, यानी यहाँ से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो सिंगल एक स्ट्रेट चेन होती है, उसके बाद लाजमी तौर पे उसकी फोल्डिंग्स की जरूरत होती है। तो वो काम, क्योंकि राइबोसोम्स अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो वहां पर भी कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, और गोल्जी बॉडीज में भी होते हैं कुछ चेंजेस। सो ज्यादा गोल्जी बॉडीज में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, ये मैं आपको और भी बताता हूँ आगे। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में, और कैमिलो गोल्जी जो है बेसिकली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया। तो उन्होंने बताया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक कैनेलिक्यूलर सिस्टम है। कैनेलिक्यूलर सिस्टम का लफ्ज निकला है कैनाल से, यानी आप देखें तो मुख्तलिफ कैनाल्स होती हैं। कैनाल क्या होती हैं कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये मुख्तलिफ ट्यूब्स आपस में एक साथ अटैच हुई भी होती हैं, और ये कुछ फ्लैटेंड डिस्क होती हैं, आप इन्हें सिस्टर्नी भी कहते हैं, और इनके साइड पर कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर्स या कुछ सैक्स, सैक्स बोरी को कहते हैं, वो भी मौजूद होते हैं, जिन्हें सिक्रेटरी वेसिकल कहते हैं। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अगेन दो फेसेस होती हैं, विच इज सिस एंड ट्रांसफेस। ये आपको ज्यादा बेहतर, आपको नेक्स्ट पिक्चर आ रही है उसमें आपको ये ज्यादा और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब इस पिक्चर में देखें, तो इस पिक्चर में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है पूरा, तो ये फ्लैटेंड डिस्क हैं बेसिकली, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं, और ल्यूमेन तो बेसिकली कोई भी चीज जिसका सेंट्रल पार्ट यानी हॉलो पार्ट उसकी कैविटी, वो ल्यूमेन कहलाती है। अब ये सिस्टर्नी है, और उसके बाद इसके मैंने कहा साइड पर कुछ सैक्स होते हैं जिन्हें सिक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं, इनमें सिक्रेशन सिक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं, और बाकी ये कि अब इसके अंदर दो फेसेस हैं, विच इज सिस फेस एंड ट्रांस फेस। अब ये सिस फेस जो है न्यूक्लियस के करीब होती है, यानी आपका सपोज न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद होगा, और न्यूक्लियस के साथ ही ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ ही ये जो फेस है, ये क्योंकि न्यूक्लियस को फेस कर रही है तो ये फेस कहलाती है सिस फेस, और वो फेस जो न्यूक्लियस के ऑपोजिट हो बिल्कुल, वो कहलाती है ट्रांस फेस। तो इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो फेसेस होती हैं, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स खत्म होता है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद हम चलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस की तरफ। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस कर रहा है, तो पहला है ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, यानी मुख्तलिफ चीजों की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करवा रहा होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि दे परफॉर्म दी फंक्शन ऑफ कलेक्शन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशन। आपके सेल ने मुख्तलिफ चीजें बनाई, अब उसके बाद उसको मॉडिफाई करना, उसकी उसको प्रॉपर पैकेज यानी वेसिकल्स में स्टोर करके मुख्तलिफ ऑर्गेनेली या सेल के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई कर देना, ये पूरा काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है। उसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनाता है, जैसे सेल्यूलोस या काइटिन, जो कि सेल वॉल या सेल प्लेट की फॉर्मेशन में मदद आते हैं। और इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइजोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लायोक्सिसोम्स, ये सब भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। सो यू कैन से दैट गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द मदर ऑफ ऑल दीज डॉटर, बेसिकली डॉटर डॉटर पार्ट्स।
और लास्ट पॉइंट ये है कि अब क्योंकि ये मुख्तलिफ प्रोसेसिंग भी कर रहा है, मुख्तलिफ चीजें भी बना रहा है, तो एक उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल से नेक्स्ट लाइसोजोम्स वगैरह थे, और थर्ड ये एक और चीज बनाते हैं विच इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स लेक्चर 1 में अगर याद हो तो ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, यानी कोई भी दो बायो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मुझसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और अगर आपको हमारे लेक्चर पावर पॉइंट या आपको हर लेक्चर का क्विज भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप कोई भी लेक्चर अवेल करके उसके बाद आप लेक्चर के क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, विच इज vtuitions.com। और प्लीज हमें सपोर्ट करना ना भूलें ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।